चाहिए ना माउस ये ऑडियो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डागुर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है सभी का। इंजीनियर मुनेश कुमार, गुड मॉर्निंग सर। रश्मि कालासैनी, नमस्ते। राजेंद्र यादव, जय हिंद श्रीमान, जय हिंद भैया। किरोड़ीलाल मीणा, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। रश्मि कालासैनी, केमिस्ट्री के टॉपिक पूरे हो गए क्या? हाँ भैया, अभी जवाब देता हूँ आपके इस सवाल का। किरोड़ीलाल मीणा, गुड मॉर्निंग सर। ज्योति नावत, गुड मॉर्निंग। राकेश, गुड मॉर्निंग। मुनेश कुमार, राम राम गुरुजी। प्रेरणा कुमावत, हाइड्रोजन टॉपिक पूरा हो गया क्या? हाँ प्रेरणा, तेरे को भी जवाब दे रहा हूँ अभी। इंदु बाला, गुड मॉर्निंग। शानू, नमस्ते। रामराज जाट, हेलो सर, हेलो, गुड मॉर्निंग। दिनेश गिरीश, श्याम सिंह शेखावत, जय माता दी री सा, राम राम भैया, जय माता दी। रामराज जाट, गुड मॉर्निंग। कटप्पा जी, गुड मॉर्निंग। दिनेश गिरी, लव यू बेटे, जय माता दीरी। सर, मेरे को क्लर्क में अलवर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। प्रेरणा कुमावत, बहुत बहुत बधाई हो। डिपार्टमेंट कौन सा है प्रेरणा? माया दुरिया रेगर, हेलो सर, नमस्ते भैया, हेलो। श्याम सिंह शेखावत, जय माता दी री सा। दिनेश गिरी, गुड मॉर्निंग। चेतन यादव, राम राम गुरुजी, राम राम गुरुजी। दिनेश गिरी, ठीक है भैया, बोल दिया, लव यू यार, लव यू टू। दिनेश मीना, गुड मॉर्निंग सर। राजू राजू, गुड मॉर्निंग सर। लव विद RSM, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। दिनेश गिरी, अरे भाई मांजा दिनेश गिरी यार। प्रियंका चौधरी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखिए, कुछ बच्चों के तो सवाल हैं कि सर वो हाइड्रोजन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया क्या? हाइड्रोजन वाला टॉपिक जो अभी चल रहा था, हाइड्रोकार्बन हमारा, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन उसमें एक छोटी सी, अभी जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा एक छोटा सा संशोधन किया गया है। वो हाइड्रोजन वाला टॉपिक भी मैं आपको पूरा कराऊंगा, लेकिन पहले जो टॉपिक हमारी ऐप के अंतर्गत डाउनलोड हो चुके हैं, उन टॉपिक के हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे पहले, ताकि आपको ये पता चले कि ऐप में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और उनके किस तरीके से सवाल बनते हैं। इसलिए एक छोटा सा संशोधन ये किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, तो उस संशोधन के अनुसार अपन चल रहे हैं अभी। राम राम सर। अंकुर डागुर, मोनिका स्वामी, नमस्ते। दिनेश गिरी सर, आपकी मूछें ऊपर करो, ये लीजिए भैया दिनेश गिरी। पूजा बंसीवाल, नमस्ते सर जी। विकास, राम राम। राया किंग राजस्थानी, गुड मॉर्निंग सर। मैडम जी बुरा मान जाएंगी, नहीं ये लीजिए, इंदु बाला ऊपर कर दिया है। किस बात के लिए इंदु बाला मैडम जी बुरा मान जाएंगी? एक बार फिर से जयकारा लगा दें। अंकुर डागुर, शेयर कर दो दोस्तों, बिल्कुल शेयर कर दो सभी। अंकुर डागुर साहब हमारे यहाँ पे फैकल्टी हैं, एक बार शेयर कर दो सब फटाफट। सलाम सर, सर पहले वो करवा दो। वो करवाएंगे लेकिन एक बार, ज़्यादा नहीं है, एक या दो टॉपिक ऐसे हैं जो ऐप में कंप्लीट हुए हैं। तो पहले मैं आपको एक तो ह्यूमन ग्लैंड्स करवा रहा हूं, एक इसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव लेंगे स्केल्टन सिस्टम का, उसके बाद फिर वापस से अपन उसी पे आ जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, दो या तीन दिन की बातें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस बनाए रखो। पूजा बंसीवाल, नमस्ते सर। श्याम सिंह गजब, वेरी गुड श्याम सिंह शेखावत। तो उन जो ऐप में दो टॉपिक अभी तक डाउनलोड हुए हैं, एक तो हुआ है ह्यूमन ग्लैंड्स और एक हुआ है स्केल्टन सिस्टम, इन दोनों के एक टॉपिक अभी चल रहा है जो ग्लैंड्स के, उसमें ऐप के अंतर्गत डाउनलोड हो रहा है, और वो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें। इंदु बाला लव यू टू बोल रहे थे ना, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है इंदु बाला, मैडम कोई नाराज नहीं होगी, मैं तो सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ लव यू टू। इंजीनियर मुनेश कुमार, नमस्कार सर। इंदु बाला, करवा दीजिए सर बायो के भी, बिल्कुल चल रहा है, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे अल्टरनेटिव क्रम में। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि अभी तीन दिन बायो और तीन दिन केमिस्ट्री, इस तरीके से अपन करेंगे तो आपको किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। तो अपन बायो भी पढ़ते रहेंगे और केमिस्ट्री भी साथ साथ चलती रहेगी। बायो में अपन चलेंगे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अपने ऐप में डाउनलोड हो चुके हैं टॉपिक, और केमिस्ट्री का अपन चल ही रहा है पूरा वो सब, ठीक है सर। आप मोनिका स्वामी से पूछो काहे की तैयारी कर रही है, इसमें पूछने की क्या बात है भैया, पढ़ने की रुचि है जरूरी थोड़ी है, तैयारी करे जो ही यहां आके पढ़े, जो पढ़ रहे हैं वो सब चल रहा है। ऐप पर पेड चल रहे हैं क्या सर? बिल्कुल पेड चल रहे हैं, और जैसा कि अभी नीचे लाइन देख रहे होगे, इसके अंतर्गत अभी फिलहाल जैसा कि हमारा इनोग्रेशन सेरेमनी है, तो स्टार्टिंग में आपको 90% तक की छूट दी जा रही है। तो इस छूट का फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग या ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वो इसको परचेज करें और आपको वापस मुझसे पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। 90% की छूट चल रही है, यानी कि आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है।
तो आप किसी भी कोचिंग संस्थान में अगर फीस पे कर चुके हैं उस हिसाब को देखते हुए हमने इसको 90% छूट रखी है, वो भी केवल स्टार्टिंग के 7 दिनों तक। तो आप इस छूट का फायदा लें ताकि आपको क्या है कोचिंग की फीस भरने के बाद बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, तो बहुत सस्ते में फिलहाल आपको ये मिल जाएगा। उसके पश्चात ये पूरी फीस में आपको मिलेगा, तो फिलहाल आप जितना हो सके इसको परचेज करें। अनीता मालाव, गुड मॉर्निंग सर, हैव ए नाइस डे, सेम टू यू अनीता। अंतिमा जी आपको भी हैव ए गुड डे। चलिए अपन चलते हैं, अपना फर्स्ट क्या है, तो अपन सबसे पहले जिसकी बात कर रहे हैं वो देखो अपने पास है क्या। तो अपने पास जो है वो टॉपिक मैंने लिया है ह्यूमन ग्लैंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से देखा जाता है कॉम्पिटिशन के अंतर्गत। मतलब यहां से सवाल आता ही आता है, और यहां से जो सवाल आता है वो बहुत ही इजी सा सवाल होता है, बस आपको उसकी लैंग्वेज को पढ़ना होता है। तो लैंग्वेज पे विशेष फोकस करके चलना है आपको, यहां पे ये ध्यान रख लेना। तो आज का जो टॉपिक लिया है मैंने वो है मानव ग्रंथियां, ह्यूमन ग्लैंड्स। और ह्यूमन ग्लैंड्स के मैं वो सवाल आपके सामने लेकर आया हूं आज, जो किसमें पूछे गए हैं, यूपीएससी में, आरपीएससी में और रीट में पूछे गए हैं, वो सवाल मैं आपको लेकर आया हूं। यानी कि आपको पता चलेगा कि सवाल का लेवल क्या होता है, वो आपको पता चल जाएगा। और ये मत सोचना कि सर ये तो यूपीएससी आरपीएससी लेके आए हो आप, रीट लेके आए हो, पटवारी तो है ही नहीं इसके अंतर्गत, इसमें पुलिस भी है ही नहीं। सवाल भैया कॉम्पिटिशन का है, जो किसी भी कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है। यूपीएससी में पूछा गया सवाल जरूरी नहीं कि आरपी उसमें राजस्थान पुलिस में नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है। और आरपी में पूछा गया सवाल यूपीएससी में भी पूछ सकता है, तो वो कोई बात नहीं होती है। पटवार के साथ साथ आरएसबी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मैं उसी हिसाब से लेके चल रहा हूं, आपके पास क्वेश्चनों का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एक बहुत ही अच्छा भंडार तैयार होगा, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। चलिए अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर आप लोग दोगे मुझे और आंसर चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर, ये रहा पहला सवाल आपके सामने। सवाल क्या है और इस सवाल को पढ़ के आप मुझे आंसर दीजिए इसका, फटाफट कॉमेंट्स बॉक्स के अंतर्गत सबके आंसर आने चाहिए। मानव शरीर की, सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सवाल पूछा गया है आपसे, ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। अब आपको लग रहा है सर ये सवाल तो राजस्थान पुलिस के लेवल का है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, जो भी सोच रहे हो तो कहीं भी पूछ सकता है, मैंने पहले कहा है, ठीक है। फटाफट आंसर दो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। विपिन डॉन, ए ए ए, बिल्कुल सही है सभी का। सर अभिज्ञान में नहीं पढ़ाओगे क्या, हरेंद्र यादव, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे भैया अभिज्ञान में। गुड मॉर्निंग रितु, वेरी गुड, क्या बात है, सभी का आंसर सही है, ए बिल्कुल सही है। ए क्या है, ए में दिया हुआ है लीवर यानी कि यकृत। अब क्यों आएगा ए, मैं इसकी थोड़ा सा आपको व्याख्या करके बता रहा हूं, सुन लीजिए, ये चीज आपके काम की है जो मैं अब बता रहा हूं। हमसे पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो देखो दोस्तों देखो मानव शरीर में ग्रंथि कौन कौन सी होती है। तो मानव शरीर में आपने पढ़ रखा है कि मानव शरीर में पाई जाती हैं 3 प्रकार की ग्रंथियां। मानव शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथि होती हैं, 3 प्रकार की ग्रंथियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, जो मुझसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं मैंने उनको बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखवा रखा है। पहली जो ग्रंथि होती है उनको हम नाम देते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। फर्स्ट जो ग्रंथि होती है उनको हम क्या नाम देते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अंग्रेजी में दोस्तों इसका नाम क्या है, अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन के नाम से इसको जानते हैं। और दोस्तों मैंने इसका एक और भी नाम आपको याद रखने के लिए लिखवाया होगा कि इनको हम नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, नलिका युक्त ग्रंथियों के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। अब तो गुरुदेव डागुस परिवार में आईएएस बनाए, आरएएस बनाएंगे, बिल्कुल यही बात सही है एकदम श्याम सिंह शेखावत जी। तो देखिए पहली ग्रंथि जो है वो कौन सी है, एक्सोक्राइन। आप इसको याद रखें इस शब्द से, नलिका युक्त, यानी कि इन ग्रंथियों के अंतर्गत निकलने वाला जो पदार्थ होता है वो नलिका की सहायता से गति करता है, अर्थात उस पदार्थ को ले जाने के लिए इन ग्रंथियों में क्या पाई जाती हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। और इन ग्रंथियों से जो पदार्थ बाहर निकलता है मैंने उसका नाम भी लिखवा रखा होगा आपको, उसे हम कहते हैं रस,
ठीक है। दूसरी जो ग्रंथियां मानव शरीर में पाई जाती है उन दूसरी ग्रंथियों को हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं उनको? अंतःस्रावी ग्रंथि इन्हें कहा जाता है। और ये ग्रंथियां कैसी होती हैं? ये ग्रंथियां होती हैं एंडोक्राइन। इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको याद रखने के लिए एक शब्द और भी बताया था, और वो क्या था? वो था नलिका विहीन ग्रंथियां। क्या थी वो? वो थी नलिका विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस इनको कहा जाता है। भविष्य अंतःस्रावी मिश्रित ग्लैंड, बिल्कुल सही है एकदम। बहिःस्रावी रश्मि कालासैनी, बहिःस्रावी अंतःस्रावी और मिश्रित ग्लैंड, बिल्कुल सही कहा है आपने। ठीक है, सर अब आग लगा देंगे, बिल्कुल अशोक सहवाग एकदम से आग ही लगा देंगे आप लोगों का सहयोग रहा तो। ठीक है, तो नलिका विहीन ग्रंथियां इनको बोलते हैं, डक्टलेस इनको कहा जाता है। और इन ग्रंथियों से जो पदार्थ बाहर निकलता है उसको नाम दिया जाता है हार्मोन। दोस्तों तीसरी जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे पहले ही बता दिया, और वो तीसरी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? मिक्सर ग्लैंड मिश्रित ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस सवाल में आपसे क्या पूछा है? इस सवाल में आपसे पूछा है सबसे बड़ी ग्रंथि, ना कि सबसे बड़ी बहिःस्रावी। ये सवाल नहीं पूछा, ये सवाल भी नहीं पूछा सबसे बड़ी अंतःस्रावी, और ये सवाल भी नहीं पूछा कि मिश्रित। आपसे तीनों के अंतर्गत कॉमन पूछा गया है कि जो कुल ग्रंथियां मानव शरीर में पाई जाती हैं, चाहे वो बहिःस्रावी हो, चाहे वो अंतःस्रावी हो, चाहे वो मिश्रित ग्रंथि हो, इन सभी को मिलाकर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? वो होती है लीवर। अगर आपसे सवाल पूछा जाता सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर भी क्या होता? लीवर। अगर आपसे सवाल पूछा जाता सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो फिर आपका आंसर आता थायराइड। तो ये स्पेसिफिक करके आप ध्यान रखना, अगर कॉमन रूप से सवाल पूछता है केवल ये जो सवाल में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा लीवर। उर्मिला पहल सर जी नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते उर्मिला। तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अब आपसे सवाल वो नहीं पूछ रहा है बहिःस्रावी है कि अंतःस्रावी है, केवल कॉमन सा सवाल पूछा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा लीवर। ये हमारा पहला सवाल था। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। देखो मैंने कहा सवाल को चेंज करता है, मैंने अभी बताया तीन ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी बहिःस्रावी और मिश्रित। पहली बार में सवाल पूछा उसने, कौन सा सवाल पूछा पहली बार में? केवल सबसे बड़ी ग्रंथि। अब दूसरी बार में सवाल पूछा उसने सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि बताना है कि जो अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी भी होती है। आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। इंदुबाला थायराइड, गलत है इंदुबाला। इंदुबाला 2C, दो का सी आंसर नहीं है। जयप्रकाश जिगर, अशोक सहवाग सी, सुरेश भाई बी, रितु राकेश द्वेरा, रश्मि काला सैनी बिल्कुल सी, अग्नाशय ग्रंथि सी, नाइसर राम 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 राम, कमलेश गोदारा यकृत बी सी, जहां पहुंचने चाहिए वहां कोई नहीं पहुंच रहे हैं। प्रियंका चौधरी सी, सभी सी पे अटके हुए हैं, सभी सी पे अटके हुए हैं। प्रियंका चौधरी ने तो डिलीट कर दिया। अब देखिए क्या है, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो है थाइमस ग्रंथि। सबसे पहली जो ग्रंथि दी हुई है वो कौन सी है? थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि थाइमस ग्रंथि का आकार जन्म के समय सबसे अधिक होता है, लेकिन वयस्क अवस्था एडल्ट स्टेज के बाद धीरे धीरे इसके आकार में कमी होती है। प्रियंका चौधरी डी, अब आने लगे कुछ लोगों के डी। राजेंद्र यादव डी, सी रोंग है क्या? बिंदु वाला सी रोंग है। अलीना चौधरी सी, जयप्रकाश चौधरी जिगर पहले वाला है, प्रेरणा कुमार लीवर बिल्कुल। देखो मैं आपको बता रहा हूं क्यों आएगा, वो सुनिए। थाइमस ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहते हैं। किरोड़ीलाल मीणा बिल्कुल गलत बात है भैया, थाइमस ग्रंथि को जैविक घड़ी नहीं कहते हैं, जैविक घड़ी पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से उसे जानते हैं। देखिए थाइमस ग्रंथि,
थाइमस ग्रंथि के बारे में बता रहा था कि इसका आकार जन्म के समय सबसे बड़ा होता है, जन्म से लेके किशोर अवस्था तक इसके आकार में बहुत कम परिवर्तन होता है, और वयस्क अवस्था के बाद मतलब एडल्ट स्टेज के बाद उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके आकार में कमी होती चली जाती है। तो ये तो नहीं है हमारा आंसर। उसके बाद आंसर करते हैं, कुछ लोग पहुंच रहे हैं डी के ऊपर। डी पिलिया। पिलिया कौन सी ग्रंथि है? पिलिया एक बहिस्रावी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि नहीं है पिलिया। पिलिया से किसी भी प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना। तो डी लोगों ने चेंज किया आंसर और डी पे पहुंच गए, जो कि डी भी क्या है, गलत आंसर है, क्योंकि पिलिया केवल एक बहिस्रावी ग्रंथि है, ये एक मिश्रित ग्रंथि नहीं है, इसलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि है कौन कौन सी। तो मिश्रित ग्रंथि में बात करते हैं, देखो यकृत। यकृत आपको दिया हुआ है, जो केवल क्या है, यकृत केवल एक बहिस्रावी ग्रंथि है। यकृत केवल क्या है, एक बहिस्रावी ग्रंथि है। यकृत कभी भी एंडोक्राइन ग्लैंड के तरीके से काम नहीं करता है, तो इसका मतलब यकृत भी आंसर नहीं है। अब बचा क्या? अब बचा हमारा आंसर अग्नाशय सी। कौन सा है इसका आंसर? आंसर क्या है? अग्नाशय इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोबारा देखिए, चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले चार ऑप्शन में से आप छांटो मिश्रित ग्रंथि कौन सी है हमारी। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो देखो थाइमस जो है ये मिश्रित ग्रंथि नहीं है। उसके बाद यकृत पे चलते हैं, ये भी मिश्रित ग्रंथि नहीं है, ये केवल कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद अग्नाशय पे चलते हैं, ये मिश्रित ग्रंथि है। उसके बाद चलते हैं किस पे? पिलिया पे। पिलिया केवल कौन सी ग्रंथि है? पिलिया भी केवल बहिस्रावी ग्रंथि है। तो आंसर कौन सा हुआ? ए ऑप्शन गलत है, यकृत बहिस्रावी है तो ये भी गलत है, पिलिया बहिस्रावी है ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर आएगा अग्नाशय, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, आंसर आएगा सी। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ? सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा, तीसरा सवाल क्या है और वो क्या कहता है हमको सुनिए। अगला सवाल है स्तनपाई। स्तनपाई का मतलब अभिज्ञान से विग्रह त्रिमूर्ति कवियाजी धर्म कटप्पा जी मनोज जी। अच्छा रामराज जा, रोने की कोई बात नहीं है इसके अंतर्गत भैया, आपको पढ़ना है, आपको कोई भी पढ़ाए आपको पढ़ना है। कोई भी टीचर कभी गलत नहीं पढ़ाता है, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बस हर टीचर का अपना पढ़ाने का एक पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए आपको दुखी नहीं होना है, आपको पढ़ना है। उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको कभी भी साइंस में कोई प्रॉब्लम होती है या ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम हो या आर्ट और कल्चर में कोई प्रॉब्लम हो कविया जी, तो जिसके भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आपको लगती है आप उस टीचर से पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर काफी दूर नहीं हम जयपुर में ही रहेंगे, आप भी हमसे मिलके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, हमने सी ही तो बताया था, सबने फिर गलत कैसे हुआ? अच्छा सी बताया था, सॉरी सी अगर था तो सी बिल्कुल सही आंसर था उसका, मैंने अगर उसको गलत बताया था तो कोई बात नहीं, सॉरी क्षमा चाहता हूं कान पकड़ के, सी एकदम परफेक्ट आंसर है उसका। पहले मैंने उसकी व्याख्या के हिसाब से नहीं देखा था उसको, सी परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो क्या है आपके सामने, स्तनपाई। स्तनपाई का मतलब क्या है दोस्तों? स्तनपाई का मतलब है यहां पर मैमल्स जो होते हैं, स्तनपाई का मतलब है स्तनधारी। मैमल्स जो होते हैं, स्तनधारियों को हम स्तनपाई के नाम से जानते हैं, इनको मैमल्स के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या कह रहा है, स्तनपाई में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर आ रहे हैं बी। बी बी बिल्कुल सही है, सभी का आंसर एकदम, क्योंकि स्तनधारियों की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पहला सवाल था वो यही है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा आएगा? यकृत स्तनधारियों की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर जिसको हम बोलते हैं। अच्छा लीवर का एक और भी नाम होता है दोस्तों, लीवर का और नाम क्या है देखिए। सर आपने तो फिरकी बना दी थी, अच्छा ये बात है क्या, फिरकी बना दी थी? हाँ बस भाई देखो, मेरा और एग्जामिनर जो बैठा हुआ है वहां, उन दोनों का काम एक ही होता है कि आपको जो सवाल आता है उसके लिए आपको वो मिसगाइड करने की कोशिश करता है। मतलब वो मिसगाइड कैसे करता है, वो सवाल की भाषा,
सवाल की लैंग्वेज जो होती है उसको वो इतना रोटेट करता है, इतना घुमाता है या उसमें इतना चेंज करता है कि आप सवाल का आंसर देने के लिए सोचना पड़े, आपको विचार करना पड़े, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यही काम एग्जामिनर करता है और यही काम मैं करूंगा यहां पे, ठीक है। हाँ, मैंने कहा इसका एक और भी नाम होता है, लोगों ने बिल्कुल, स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ने बिल्कुल इसका लिख दिया, दूसरा नाम क्या है, देव कुमार कोडियो। ये क्या होता है कोडियो? इसका दूसरा जो नाम है वो लोगों ने या स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और वो होता है, इसको जिगर कहा जाता है। आप इसको यकृत भी बोल सकते हैं, आप इसको लीवर भी बोल सकते हैं और आप इसको क्या बोलते हैं, जिगर भी कहते हैं, जिगरा, जिगर या जिगरा, बिल्कुल सही कहा सर। सर आपसे अभिज्ञान में पढ़े हुए हैं उर्मिला, बहुत अच्छी बात है, लीवर का नाम यकृत और जिगर है। हाँ, अब ये जिगर क्यों कहते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको जिगर क्यों कहा जाता है। तो देखो, हमारा जो लीवर होता है, हमारा जो यकृत होता है, इस यकृत के अंतर्गत एक प्रोसेस होता है, क्रिया होती है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रीजनरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं रीजनरेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है पुनरुद्भवन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है पुनरुद्भवन के नाम से इसको जानते हैं। क्या होता है ये पुनरुद्भवन? सर लीवर का कार्य बिल्कुल बता रहा हूं, अभी सुनो। पुनरुद्भवन क्या होता है, जैसे आप नाखून काटते हो कुछ समय में वापस बढ़ जाते हैं, आप बाल कटवाते हो कुछ समय में वापस बढ़ जाते हैं, आपको कहीं चोट लग जाती है, त्वचा कट जाती है, फट जाती है, कुछ समय में वो घाव क्या हो जाता है, वापस भर जाता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम किस नाम से जानते हैं, पुनरुद्भवन के नाम से जानते हैं, उसको रीजनरेशन कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी खोए हुए, कटे हुए या फिर नष्ट हुए अंगों का वापस आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन के नाम से जानी जाती है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, नष्ट हुए या खोए हुए अंगों के, खोए हुए अंग, खोए हुए तो खैर ऐसा तो कहीं नहीं है कि दूर जाएंगे, वो अंगों के वापस आने की प्रक्रिया, वापस आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है। आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि नाखून कट जाते हैं या काट लेते हैं, वापस बढ़ जाते हैं, बाल काटते हैं, वापस बढ़ जाते हैं, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल विशेष रूप से याद होगा, छिपकली की पूंछ कट जाती है, कुछ समय में वापस आ जाती है, ये क्रिया सबसे ज्यादा किसमें होती है, लीवर के अंतर्गत पाई जाती है ये क्रिया सबसे ज्यादा। और इसीलिए अब देखो, सर्वाधिक पुनरुद्भवन, सवाल पूछा जाए आपसे सर्वाधिक पुनरुद्भवन की प्रक्रिया या क्षमता किसमें पाई जाती है, तो सर्वाधिक पुनरुद्भवन का गुण पाया जाता है यकृत के अंतर्गत। और यकृत एक ऐसा अंग है जिसको हम एक साथ दो व्यक्तियों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में ऐसे काफी अंग होते हैं जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि किन्हीं दूसरे व्यक्तियों को हम दान करते हैं। जैसे कि आप देखो, हमारी आंखें जो है, उन आंखों के कुछ भागों को हम डोनेट करते हैं, जैसे कोर्निया को डोनेट किया जाता है। अब एक आंख में एक कोर्निया होता है और वो एक ही व्यक्ति को हम डोनेट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर किया जा सकता है। इसी तरीके से और बात करें, जैसे हार्ट होता है एक व्यक्ति में एक ही होता है, कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाए तो उसका हार्ट दूसरे व्यक्ति को हम दे सकते हैं, तो वो क्या हुआ, एक व्यक्ति में ट्रांसप्लांट हो सका। किडनी दो होती है हमारे शरीर में, एक किडनी एक व्यक्ति को, दूसरी किडनी दूसरे व्यक्ति को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन लीवर एक ही होता है और एक ही लीवर को हम एक साथ दो व्यक्तियों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है जिगर, बड़े दिल वाला। क्या बोलते हैं इसको, जिगर बोलते हैं। तो जिगर क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्या होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। और एकमात्र अंग, ये एकमात्र अंग है, एकमात्र अंग जिसे एक साथ दो व्यक्तियों में
जिसे एक साथ दो व्यक्तियों में क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है जिगर, कि एक होने के बावजूद भी दो व्यक्तियों को जीवन दान दे सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है जिगर के नाम से। अब यही सवाल, जैसे कि कुछ कमेंट्स के अंतर्गत लिख रहे हैं स्टूडेंट्स जो बहुत होशियार हैं और जिनको बहुत ज्यादा साइंस समझ में आई थी, उन्होंने जवाब भी दिया है कि कुछ ये सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता तो किसमें होती है, लीवर में होती है, और यहीं पर सवाल आपसे वो पूछ ले कि न्यूनतम पुनरुद्भवन किसमें होता है, तो न्यूनतम पुनरुद्भवन की क्षमता बताओ दोस्तों, न्यूनतम पुनरुद्भवन किसमें होता है, न्यूनतम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जिसको कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। और अगर ऑप्शन में न्यूरॉन नहीं हो तो भी मैंने इसका आंसर बताया था आपको कि अगर न्यूरॉन नहीं हो तो क्या करेंगे, बताइए, अगर न्यूरॉन नहीं हो तो किसको आंसर करेंगे फिर हम, इसका भी जवाब मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि अगर तंत्रिका कोशिका नहीं दी हुई हो ऑप्शन के अंतर्गत तो हम किसको आंसर करेंगे, नर्वस सिस्टम नहीं आएगा पूरा, केवल एक पार्ट आएगा नर्वस सिस्टम का और वो होता है मस्तिष्क या ब्रेन जिसको हम कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये बातें आपको, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी, सबसे बड़ी ग्रंथि स्तनधारियों में होती है यकृत, जिसको हम क्या कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्वाधिक होता है पुनरुद्भवन, और इस पुनरुद्भवन के कारण यह एकमात्र ऐसा अंग है जो एक साथ दो व्यक्तियों में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, जिगर। और अब पूछ ले न्यूनतम रीजनरेशन किसमें होता है, तो फिर आपका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, न्यूरॉन ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर होगा ब्रेन। मेरा प्रयास यह है कि एक प्रश्न जो दिया हुआ है उससे संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं मैं आपको यहां बता के चलूं। इसलिए ऑब्जेक्टिव, पहले भी मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव नाम जरूर है, बाकी अपन इसको पूरा एक्सप्लेन करने के साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, अगला जो सवाल है वो कौन सा है हमारा, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, आंसर दीजिए फटाफट, आंसर दो इसका, सबसे छोटी, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है आपको, यकृत दिया हुआ है, लीवर, आउटू थायराइड दिया हुआ है, पीयूष ग्रंथि दी हुई है और लार ग्रंथि दी हुई है, फटाफट इसका आंसर दो, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, कमेंट्स बॉक्स में फटाफट फटाफट आंसर आने चाहिए। अजीत कुमार से शुरू हो गया, पीयूष ग्रंथि, सी मास्टर ग्लैंड, सी लीवर का कार्य नहीं बताया, सॉरी अभी बता रहा हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड, सी 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 बिल्कुल सही है, सी तीन नंबर पीयूष, वेरी गुड, अरे इतनी फास्ट, वेरी गुड। इंदुबाला चौथे का सी, बिल्कुल सही है इंदुबाला। सुनेश कुमार सी, आंसर सभी का सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आज एक बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछा था कि सर ये पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी है कि पीनियल ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी है, मुझे पता नहीं था कि आज मैं यही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और ये पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी है, हालांकि इससे भी छोटी ग्रंथि या इससे भी छोटा आकार होता है पीनियल ग्रंथि का, आकार नहीं होता है ध्यान रखना, उसका वजन इससे कम होता है, वजन क्या होता है, कम होता है, आकार में पीयूषी छोटी होती है, वजन पीनियल ग्रंथि का कम होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर हमसे पूछा है सबसे छोटी कौन सी है, तो देखो यकृत के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या है ये, सबसे बड़ी ग्रंथि, और दो तरीके से इसका आंसर पूछ सकता है, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि पूछे तो यकृत, ठीक है। आउटू, आउटू ग्रंथि क्या है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये है बड़ी, लेकिन बड़ी क्या है, कौन सी बड़ी है, सबसे बड़ी, तो ये है सबसे बड़ी कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड में अगर सबसे बड़ी पूछा जाता है तो कौन आंसर आएगा, थायराइड आंसर आता है,
लार ग्रंथि की बात करें तो लार ग्रंथि जो होती है ये होती है, ये सॉरी बहिश्रावी ग्रंथि है, ये कैसी ग्रंथि है, ये बहिश्रावी ग्रंथि है लेकिन छोटी नहीं होती है। और अगली कौन सी है, पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी ग्रंथि का आकार अगर आपसे पूछे तो कितना होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि का आकार तो कितना बड़ा होता है, मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान होती है ये, मटर के दाने के समान ये इसका आकार है। और आपसे इसका वजन पूछ ले कि पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है, तो पीयूष ग्रंथि का वजन भी बता रहा हूं मैं दोस्तों, देखो अगर आपसे पूछे इसका वजन तो वजन आपको मैंने अलग अलग लिखवाया होगा, पुरुषों में अलग वजन होता है और महिलाओं में अलग वजन होता है। और वजन अगर आपसे इसका पूछता है तो कितना होता है, आंसर दो मुझे फटाफट, मैंने लिखवा रखा है आपको आंसर, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है। दोनों में लिखवाया हुआ है, मेल्स में अलग पूछता है, फीमेल्स में अलग पूछता है, और दोनों का ही वजन मैंने आपको लिखवाया कि पुरुषों में कितना होता है और महिलाओं में कितना होता है। सुनेश कुमार चौधरी, आकार तो बिल्कुल सही है मटर के दाने के समान, लेकिन दोस्तों इसका वजन भी बताइए मेरे को, 0.15 ग्राम नहीं, फटाफट आंसर दीजिए कि इसका वजन कितना होता है। तो पीयूष ग्रंथि के वजन की बात कर रहे हैं, वजन कितना होता है, 15/13 या 15 और 13 नहीं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। क्या बात है मुनेश कुमार, 0.6 ग्राम किस में है ये मुनेश कुमार, मेल्स फीमेल्स दोनों में बताइए अलग अलग। अशोक सहवाग 0.6 ग्राम, ये मेल्स के अंतर्गत मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है, सॉरी मैक्सिमम है। तो देखो पुरुषों में कितना होता है, इसका वजन होता है 0.5 से 0.6 ग्राम, और एक इसका वजन है 0.6 से 0.7 ग्राम। ये वजन तो है किसके अंतर्गत, मेल्स के अंतर्गत, यानी कि पुरुषों में वजन कितना होता है तो 0.5 से 0.6 ग्राम होता है, और अगर फीमेल्स में पूछा जाए तो वजन कितना होता है, तो फीमेल में वजन होता है 0.6 से 0.7 ग्राम, यानी कि पुरुषों के अंतर्गत महिलाओं से 0.1 ग्राम कम वजन होता है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना। पीनियल ग्रंथि को छोटी ग्रंथि नहीं माना जाता है, ये याद रखने की बात है। सबसे छोटी ग्रंथि अगर आपसे पूछी जाती है तो फिर कौन सी आएगी, पीयूष ग्रंथि। बहिश्रावी हो चाहे अंतःश्रावी हो, कौन सी आएगी, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं हमको उसको सुनिए आप, सवालों का महत्व और सवालों के इंपोर्टेंस की बात यहां पे देखो आप। अगला सवाल पूछा है, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है, फटाफट से आंसर दो, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है, आंसर आने चाहिए जल्दी जल्दी। मोनिका गई वो बात पहले, फटाफट आंसर दीजिए। अच्छा ये क्लास में नहीं लिखवाया इसीलिए इंदु वाला आंसर देने में देर कर दिया ना, लीवर के कार्य बता रहा हूं भाई पंकज मेघवंशी, याद रखे एक मिनट। प्रवीण कोलावल सर अभिज्ञान में क्यों नहीं, यार वो मेरी मर्जी है यार, आंसर दे रहे हैं बी मस्तिष्क के आधार में। अशोक सहवाग एक बार ही लिख बी को, कभी बीबी बीबी लिख रहा है तू, तो यार बीबी नहीं है, केवल बी लिख बस इसको, हां बीबी ये संसार का सबसे खतरनाक प्राणी होता है बीबी। ठीक है, अब ये सवाल आ जाए परीक्षा में कि संसार का सबसे खतरनाक प्राणी कौन है, तो आंसर आएगा बीबी। ठीक है, अब देखिए कहां पाई जाती है, मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है।
कहां पर होती है? मस्तिष्क के आधार में। मैं इसका परफेक्ट स्थान आपको बताता हूं। परफेक्ट स्थान कहां है? हमारे मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। हमारे मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? मानव मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क के होते हैं तीन भाग, और तीनों भागों के नाम आपको पता है। एक को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, फोरे ब्रेन, और वैसे इसका नाम होता है प्रोसेंसिफेलान। दूसरा जो भाग है उसको हम नाम देते हैं मध्य मस्तिष्क, मीसेंसिफेलान, और वैसे आप इसको बोल देते हो मिड ब्रेन। और तीसरा जो भाग होता है उसको हम नाम देते हैं पश्च मस्तिष्क, और इस पश्च मस्तिष्क को बोला जाता है हिंड ब्रेन, रोहेम बेनोसिफेलान। मानव मस्तिष्क के ये तीन भाग होते हैं। हम केवल इस भाग की बात करेंगे, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं इसके भी। कौन कौन से? एक भाग को नाम देते हैं घ्राणपाली, यानी कि ये सूंघने का केंद्र होता है मानव मस्तिष्क के अंतर्गत। दूसरे भाग को हम क्या नाम देते हैं? उसे नाम देते हैं प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम इसे कहा जाता है। और तीसरा जो भाग होता है उसको हम नाम देते हैं डायनसिफेलान, इसे नाम दिया जाता है डायनसिफेलान। इसको डायन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत एक कैविटी पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है, और उस गुहा का नाम होता है डायोसील। उस गुहा का क्या नाम है? उसको बोलते हैं डायोसील गुहा, उसे कहा जाता है डायोसील कैविटी कहा जाता है। और इसके भी तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? इसका एक भाग होता है एपिथैलेमस, थैलेमस एक भाग होता है एपिथैलेमस। इसका दूसरा भाग होता है थैलेमस, और इसका तीसरा जो भाग होता है उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। तीसरे भाग का नाम क्या है? तीसरे भाग का नाम है हाइपोथैलेमस। तीन भाग हैं इसके, और हाइपोथैलेमस के अंतर्गत एक कैविटी, एक गुहा पाई जाती है, और उस गुहा का नाम होता है सेला टर्सिला। क्या नाम है? सेला टर्सिला नामक एक रिक्तिका, एक कैविटी पाई जाती है, सेला टर्सिला गुहा। और इस सेला टर्सिला गुहा के अंतर्गत स्फिनोइड कैविटी या स्फिनोइड अस्थि के साथ जुड़ी हुई होती है। कौन? पीयूष ग्रंथि। कौन होती है? पीयूष ग्रंथि इसके साथ जुड़ी होती है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो आप ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या देना है? अगर वहां पे लिखा हो सेला टर्सिला कैविटी, तो आपका आंसर भी सेला टर्सिला ही होगा। क्या होगा आपका आंसर? भी सेला टर्सिला ही होगा, अगर ऑप्शन में सेला टर्सिला लिखा हुआ है तो। अगर नहीं है तो फिर आंसर कौन होगा? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस भी नहीं है तो फिर आंसर कौन होगा? अग्र मस्तिष्क फिर इसका आंसर होगा। तो इस हिसाब से आपको इसे याद रखना है पार्ट वाइज कि पीयूष ग्रंथि कहां होती है? अग्र मस्तिष्क में होती है। अग्र मस्तिष्क के कौन से भाग में होती है? तो अग्र मस्तिष्क के कौन से भाग में होती है? डायनसिफेलान में होती है। उसके भी कौन से भाग में है? तो उसका जो भाग है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की कौन सी कैविटी में होती है? तो कैविटी का नाम है सेला टर्सिला। पार्ट वाइज मतलब स्टेप वाई स्टेप आप इसको याद रखो। विशाल बोरा नमस्ते। तो इसको स्टेप वाई स्टेप याद रखो। पीयूष ग्रंथि का स्थान अग्र मस्तिष्क, उसके कौन से भाग में? डायनसिफेलान। डायनसिफेलान इस तरीके से चलो, अग्र मस्तिष्क के डायनसिफेलान, डायनसिफेलान के कौन से? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कौन से? सेला टर्सिला। ये है इसका प्रॉपर वे याद करने का। अब इसमें किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो एक छोटी सी डंडी के जैसी संरचना होती है, और उसको डंडी को बोलते हैं व्रंत, पेटियोल के नाम से आप जानते हैं। कौन सा व्रंत? पर्ण व्रंत। सो जैसे पत्तियों में होता है ना पर्ण व्रंत, इसी तरीके से यहां होता है इनफंडिबुलम। यहां कौन है? इनफंडिबुलम नामक व्रंत, इनफंडिबुलम नामक व्रंत के द्वारा जुड़ी होती है।
तो अगर आपसे ये भी पूछ ले तो आप ये भी बता दो। तो पीयूष ग्रंथि का स्थान कहाँ हुआ, पीयूष ग्रंथि का स्थान आप देख लीजिए कहाँ हुआ। अब आप ऑप्शन में क्या दिया हुआ है वो देखो, हृदय के आधार बिल्कुल गलत है, गर्दन में बिल्कुल गलत है, उदर में बिल्कुल गलत है, तो आंसर कौन सा आया अपना, आंसर आया मस्तिष्क के आधार में होती है। कौन सा मस्तिष्क यहां दिया हुआ नहीं है, अगर दिया हुआ होता तो अपन क्या कर लेते, उसके आंसर को देख लेते, नहीं दिया हुआ है केवल मस्तिष्क दिया हुआ है तो हम केवल मस्तिष्क ही कर देंगे। सर ऐप का क्या हुआ, प्ले स्टोर पर शो नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है प्ले स्टोर पर शो, मैंने खुद ने डाउनलोड कर ली है। आप इसके ऊपर जाइए और वहां जाकर आप टाइप कीजिए डागुर्स, क्या टाइप करना है आपको, डागुर्स, बस केवल इतना सा टाइप करने मात्र से ही ऐप के अंतर्गत वो सॉरी प्ले स्टोर में ये दिखाने लग जाता है। तो इसलिए केवल इतना सा आपको डागुर्स नाम टाइप करना है, बस आ जाएगी आपको ऐप डागुर्स की दिखाई दे जाएगी वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, अगला सवाल हमारा क्या कहता है वो देखिए, अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल ये रहा, बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सवाल को राउंड किया हुआ है, थोड़ी सी इसकी भाषा को क्लिष्ट या जटिल किया हुआ है, आपको इसकी भाषा देखनी है क्या है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन, यानी कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है अगर वो अत्यधिक निकलने लग जाए तो इसके अत्यधिक स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है अगर वो ज्यादा मात्रा में निकलने लग जाए तो हमारी बॉडी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव दिखाई देगा, फटाफट आंसर दीजिए। पहला है लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, यानी कि हमारी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा क्या है, शरीर का असंतुलित विकास, असंतुलित का मतलब बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई अंग ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा कोई अंग छोटा रह जाएगा, अजीत कुमार बी। शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना और इनमें से कोई नहीं, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। प्रेरणा कुमावत ए, पूजा बंसीवाल ए, राकेश मौर्या बी, विशाल विकास बी, जयप्रकाश बी, रश्मि काला सिक्स का बी, चलिए देखेंगे अभी, अशोक सहवाग बी, इंदु बाला सिक्स का बी, पंकज मेघवंशी बी, आरजे सिंह बी, मेघवंशी बी, विशाल बोरा ए, मोहनलाल रानीवाल बी, सुनेश कुमार बी। बी पे बहुत ज्यादा टक रहे हो, क्या बात है, ये क्या कह रहा है, अत्यधिक स्राव से। भैया मैंने आपको रोग लिखवा रखे हैं कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनके अत्यधिक स्राव से कौन से रोग होते हैं, मैंने लिखवा रखे हैं आपको। गुरुदेव का लाडला बी, तो देखो पहली बात इनमें से कोई नहीं, मेरे हिसाब से ये गलत है कि ये तो है नहीं इसका आंसर। शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना ये भी मुझे गलत लग रहा है कि ये भी सही नहीं है, इसका परफेक्ट आंसर नहीं है। शरीर का असंतुलित, अब हमने छांट लिए दो, हमने दो क्या छांट लिए, हमने दो छांट लिए जो बिल्कुल गलत है, कि ये दो ऑप्शन तो पूरी तरीके से ही गलत है। अब बच गए अपने पास दो 50-50, अब यहां पे कर लो आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, है ना, वो पैटर्न अपना लो कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, ये पैटर्न नहीं। क्या आएगा आंसर, गोवर्धन देवाई ए, भीमकाय, पूजा बंसीवाल भीमकाय क्या होगा, तो आप हिंदी में लिख रहे हो भीमकाय, इनमें से भीमकाय कौन सा है, असंतुलित विकास होना ये भीमकाय है, नहीं है ये तो भीमकाय, तो भीमकाय कौन है, अब आंसर चेंज करने लग गए हैं, आंसर क्या आएगा, आंसर है ए, हिंदी में मैंने आपको इसको लिखवाया है भीमकायता, क्या कहते हैं इसको, भीमकायता। वन वर्ड्स अगर इसका लेके आओगे तो वन वर्ड्स आएगा इसका भीमकायता, जिसको आप अतिकायता भी कह सकते हो, अति कायता भी आप इसको नाम दे सकते हो, और एक और भी नाम है कि आप इसको दानवाकार भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, दानवाकार भी इसे कहा जाता है, गिगनेटेनिज्म के नाम से जानते हैं इसको अंग्रेजी में। तो भीमकाय कह दीजिए, अति कायता कह दीजिए, या महाकायता कह दीजिए, रोग कौन सा हो गया, ए। सही आंसर कौन सा है, ए, कि लंबाई जो होगी अत्यधिक स्राव, अत्यधिक स्राव का मतलब, तो आपको मैंने बताया है कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वैसे तो टोटल 11 हार्मोन होते हैं, लेकिन जब हम उनको कॉमन रूप से बात करते हैं तो उनके अंतर्गत केवल एक ही हार्मोन नाम देते हैं और वो कौन सा होता है, पिट्यूटराइन हार्मोन, क्या बोलते हैं उसको, पिट्यू, एक्रोमेगली, एक्रोमेगली तो इसके अंतर्गत नहीं आता है, वो बच्चों में आएगा एक्रोमेगली,
और वो कमी से होता है मुनेश कुमार। एक्रोमेगली जो रोग, एक्रोमेगली, अच्छा एक्रोमेगली अधिकता से होता है लेकिन उसमें केवल चेहरे की अस्थियां बढ़ती हैं। मुनेश, मुनेश लिख रहा है एक्रोमेगली, एक्रोमेगली मैंने लिखवा रहा है चेहरे की अस्थियों के आकार में वृद्धि होना, तो इसमें केवल चेहरे की अस्थियां बढ़ेंगी एक्रोमेगली में, तो ध्यान रखना ठीक है। तो हार्मोन के अत्यधिक स्राव, अत्यधिक स्राव से कौन सा रोग होगा? भीमकायता, अतिकायता, दानवाकार, या इसको गिग्नेटेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। लंबाई लिखा था इसलिए डाउट हुआ सर, हाँ बिल्कुल लंबाई, ठीक है। तो लंबाई ही है और क्या, लंबाई में ही वृद्धि होती है। जैसे आप देखो खली जो होता है, महाबरी खली जो होता है वो इसी रोग से ग्रसित होता है। सर एक बार लाइव सर्च करके बता दो आप, ऐप भी अभी भी शो नहीं हो रहा है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। देखो आप देखो, अब यहां से आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई दे जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे गए आप, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप इस पे सर्च कीजिए, यहां आप यहां पे सर्च कीजिए डागुर, डी ए जी यू आर, और डागुर सर्च करने के बाद डागुर्स एस और लगा दीजिए यहां, और इसको सर्च मारो आप। ये सबसे पहले जो ऐप आती है वो कौन सी है? वो डागुर्स के नाम से ही, सबसे ऊपर जो लिखी हुई है वो डागुर्स के नाम से है, डी ए जी यू आर एस। मैं फिर बता रहा हूं आपको, नाम है ये वाला डी ए जी यू आर एस, इस नाम से आप सर्च मारो इसको, आ जाएगा ऐप ठीक है। बिल्कुल ग्रेट खली जो था वो इसी रोग से ग्रसित था, पंकज मेघवंशी कह रहा है बिल्कुल, दिख रहा है माइक्रोस्कोप लगाती हूं। हाँ आरजे सिंह लगा ले, बिल्कुल लगा ले आरजे सिंह, पूरा नाम क्या है आरजे सिंह, लगाती हूं इसका मतलब गर्ल्स हो तुम आरजे सिंह। अब देखिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं ये बात भी हम करेंगे अभी। अगला जो सवाल है हमारा वो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? जैसे मैंने कहा पिट्यूटराइन हार्मोन, कौन सी ग्रंथि, आंसर दो फटाफट। देखो सवाल की लैंग्वेज, कौन सी ग्रंथि, अब उसने नाम नहीं दिया, सिर्फ एक लिख दिया वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, और वृद्धि हार्मोन कहां से निकलता है? बिल्कुल इजी सा सवाल है, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए सब, क्या आएगा इसका आंसर जल्दी से, आंसर क्या आएगा इसका फटाफट फटाफट, ए ए ए बिल्कुल। अरे बी पे कौन पहुंच गया और ए पे कौन है? ए अधिवृक्ष से, अधिवृक्ष से निकलता है क्या वृद्धि हार्मोन? जनन ग्रंथि, अग्नाशय, बी, हाँ सेवंत का बी है बिल्कुल रश्मि, बी बी पीयूष सही है, पीयूष बिल्कुल सही है, बहुत आसान सा सवाल था, पीयूष ग्रंथि सीधा सीधा आंसर है, पीयूष ग्रंथि, कौन सा पीयूष ग्रंथि जो है उससे निकलता है हार्मोन। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखो, दुग्धजनक हार्मोन, दुग्धजनक हार्मोन, दुग्धजनक हार्मोन का एक और भी नाम लिखवाया होगा मैंने आपको, दुग्धजनक हार्मोन को हम क्या नाम देते हैं? इस हार्मोन को मैंने आपको नाम लिखवाया, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है लैक्टोजेनिक, कौन सा? लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। और यहां पर मैंने इसको आपको एक एक शब्दों से भी इसको समझाया था कि लैक्टो, लैक्टो का मतलब क्या है, लैक्टो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको अपन अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, तो लैक्टो का मतलब बनता है मिल्क, लैक्टो का मतलब क्या बनेगा? मिल्क, लैक्टो, इसको बोलेंगे मिल्क अंग्रेजी में। एक शब्द यहां पर है जेनिक, जी ई एन आई सी, जेनिक, और जेनिक का मतलब होता है जेनरेट, जेनिक का मतलब होता है जेनरेट, और साथ में कौन है? साथ में तो है हार्मोन, यानी कि लैक्टोजेनिक हार्मोन अर्थात मिल्क जनरेट हार्मोन। मिल्क का मतलब, मिल्क का मतलब होता है दूध, मिल्क का मतलब क्या है? मिल्क का मतलब है दूध, और जेनरेट का मतलब होता है निर्माण, दुग्ध निर्माण हार्मोन आप इसको हिंदी में बोलोगे, दूध निर्माण हार्मोन हिंदी में बोलोगे, दुग्ध निर्माण हार्मोन इसको बोलोगे आप, तो लैक्टोजेनिक
हार्मोन, लैक्टोजेनिक स्टिमुलेटिंग नहीं आएगा इसके साथ विशाल, स्टिमुलेटिंग शब्द नहीं है, केवल LTH है बस, ये लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन होता है, ये स्टिमुलेटिंग नहीं होता है। LTH इसका पूरा नाम मैंने लिखवाया था, LTH ये होता है, आप जो कह रहे हो ना वो स्टिमुलेटिंग शब्द इसके साथ काम में नहीं आएगा। LTH पूरा नाम अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन इसे कहा जाता है, ठीक है। ये आगे की बात करते हैं, अगला सवाल, तो इसका आंसर कौन आएगा, कहां से निकलता है, स्तन ग्रंथि, प्लेसेंटा, अंडाशय, पीयूष ग्रंथि। अब फटाफट आंसर दीजिए, ए ए मनु यादव का डी, बाकी सब ए दे रहे हैं, मनु यादव डी, बाहुबली पीयूष, रितु चौधरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, फटाफट बताओ, यादव में नीरज ए, बिल्कुल ए, स्तन ग्रंथि, क्या बात है, स्तन ग्रंथियों में तो दूध का निर्माण होता है, प्लेसेंटा से ये निकलता नहीं है, तो कौन आएगा, इसका आंसर कौन है, इसका आंसर है डी, पीयूष इसका आंसर होगा। स्तन ग्रंथियों में तो दूध का निर्माण होता है भैया, यहां से हार्मोन निकलता नहीं है, यहां से दूध स्रावित होता है, तो आंसर कौन है, इसका आंसर है डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। रश्मि काला सैनी, ए आंसर नहीं है भाई, स्तन ग्रंथियों में, अच्छा LTH हार्मोन जो होता है ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और क्रियाशील किस पर होता है, क्रियाशील होता है पीयूष, वो स्तन ग्रंथि पर, यानी कि ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलकर क्या करता है, ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलकर स्तनों के अंतर्गत दूध के निर्माण पर नियंत्रण करता है, कि दूध का निर्माण कब होगा और कितना होगा। जैसे आप देखो कोई भी फीमेल्स जो होती है, चाहे वो जंतुओं की हो चाहे मनुष्यों की हो, उनके अंतर्गत स्तनों में दूध का निर्माण नहीं होता, कब तक नहीं होता, जब तक कि वो गर्भ धारण नहीं करती है, उनके स्तनों में दूध का निर्माण नहीं होगा, लेकिन जिस दिन गर्भ धारण की प्रक्रिया होती है उसके पश्चात स्तनों में धीरे धीरे दूध का निर्माण शुरू हो जाता है, और स्तनों में दूध का निर्माण तब तक होता है जब तक कि प्रसव नहीं होता, पार्चुरेशन नहीं होता। तो गर्भ धारण से लेकर और कब तक, गर्भ धारण से लेकर और प्रसव होने तक जो प्रक्रिया होती है स्तनों में दूध के निर्माण की, वो क्लियर, वो कौन करता है, वो करता है कौन सा हार्मोन, LTH हार्मोन। ऑल ऑप्शंस क्लियर कर दो, ऑल ऑप्शन है, स्तन ग्रंथि में दूध बनता है विशाल, प्लेसेंटा जो होती है इससे एक हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन, अंडाशय जो होता है उससे दो हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, बचा कौन, पीयूष ग्रंथि, इससे 11 हार्मोन मैंने लिखवा रखे हैं विशाल, कि गर्लफ्रेंड को जीटी पर लेकर लस्सी पी, ये ट्रिक भी मैंने आपको लिखवाई है, GTAGFLLP ट्रिक लिखवाई थी, और ट्रिक का मैंने बोल के भी बताया था कि या तो इसी तरीके से याद रखो GTAGFLLP, या इसका एक मैंने तरीका भी बताया था याद करने का, कि जीटी पर गर्लफ्रेंड को लेकर लस्सी पी, दोनों में से जो अच्छा लगे वो याद कर दीजिए। एक सवाल जल्दी से ले लेते हैं फटाफट, चलिए टाइम हो ही गया है, रहने देते हैं, हाँ बिल्कुल फिक्स टाइम हो चुका है दोस्तों, बने रहिए, पीयूष ग्रंथि के, सॉरी ग्रंथियों के जो भी सवाल हैं, जितने भी सवाल आज तक पूछे गए हैं किसी भी परीक्षा के अंतर्गत, उन सभी इंपॉर्टेंट सवालों को लेकर मैं आपके सामने रोजाना आऊंगा, ये क्लियर हो जाएंगे उसके बाद अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 2 या 3 दिन अपन ऐसा करेंगे, 3-3 दिन में पार्ट पढ़ के पढ़ेंगे इसको, बायो और केमिस्ट्री, या फिर पहले जैसा कि मैनेजमेंट कह रहा है कि पहले ऐप में जो टॉपिक डल चुके हैं पहले उनके ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद अपन केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।